गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। हमारा मैथ्स में शेप्स का चैप्टर चल रहा था ना, हमने दो शेप्स कर ली थी अपनी, सर्कल एंड स्क्वायर। तो आज हम अगली शेप करेंगे अपनी। हमारी अगली शेप है रेक्टेंगल। क्या है? रेक्टेंगल। इस शेप की दो साइड्स एक जैसी होती हैं और दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। ये देखो जरा, अच्छा इसमें कौन कौन सी रेक्टेंगल शेप है देखो। फर्स्ट स्नैप हो गई, उसके बाद ये हो गया हमारा ग्रीन बोर्ड हो गया, फिर एनवलप है ना, डोर भी है। तो ऐसे ही हमारे चैप्टर में दे रखा है, जैसे उनका था ऐसे ही ये भी है। रीड करो, ड्रॉ आ रेक्टेंगल, ड्रॉ आ रेक्टेंगल, माई अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट्स मतलब जो ऊपर नीचे होती है ना एक दूसरे के, अपोजिट्स होती हैं, वो साइड इक्वल है हमारी जो रेक्टेंगल की साइड्स होती हैं। लुक अ रेक्टेंगल, लुक अ रेक्टेंगल विथ टू साइड्स आर शॉर्ट एंड टू साइड्स आर लॉन्ग। देखो जैसे कि आप देख भी सकते हो फोटो में, दो छोटी हैं दो बड़ी हैं ना, तो वो क्या शेप होती है? रेक्टेंगल शेप होती है। आपने अपनी बुक में जैसे हमने उसमें किया है, ऐसे ही यहाँ पे भी जो रेक्टेंगल शेप का है उसको टिक करना है, ठीक है। इसके बाद हमारी अगली शेप आती है ट्राइंगल। ट्राइंगल जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जिसके थ्री एंगल्स होते हैं वो बोलते हैं ट्राइंगल। इसकी थ्री साइड्स होती हैं और तीनों इक्वल होती हैं। अब जरा देखो इसमें कौन कौन सी है। पिज़्ज़ा स्लाइस हो गया ट्राइंगल, है ना, कॉर्न हो गया, ये सारी क्या हैं? ट्राइंगल्स हैं। देन इसमें अच्छा बताओ जरा कि कौन सा जो यहाँ पे बिलोंग नहीं करता, ट्राइंगल शेप में बिलोंग नहीं करता। फर्स्ट तिजोरी हो गया, है ना, बल्ब, ये सारे ट्राइंगल नहीं है। ऐसे ही आपकी बुक में ये दे रखा है, ड्रॉ अ ट्राइंगल, ड्रॉ अ ट्राइंगल विद हैविंग कॉर्नर्स थ्री, मतलब जिसके थ्री कॉर्नर्स होते हैं। कॉर्नर्स क्या बताए थे आपको, जहाँ पे टू साइड्स मिलती हैं उसको कॉर्नर्स बोलते हैं, ठीक है। लुक अ ट्राइंगल, लुक अ ट्राइंगल, कलर इट जस्ट फॉर मी, कि ट्राइंगल को देखो और इसमें कलर भरो, ठीक है। अब इसी के नीचे बेटा आपको दे रखा है, पीछे दे रखी है ना, एक तो आपने इसमें कलर फिल करने हैं और नीचे आपने लिखने हैं कि इसके अंदर कितने ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। ध्यान से करना क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है, तो ध्यान से देख के नीचे ट्राइंगल्स की लिखना कि कितने नंबर्स ऑफ ट्राइंगल्स हैं इसके अंदर। अभी आज भी दो शेप्स ही करेंगे अपनी, इन्हें कोई अच्छे से समझना और अच्छे से करना, ठीक है बच्चों। बाय बाय।